सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्ट्रॉ पाइप बनाने का व्यवसाय आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं और इससे कैसे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई तरह के व्यापार हैं जिन्हें आसानी से शुरू किया जा सकता है। इन व्यापारों को खोलने के लिए किसी तरह की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बस व्यक्ति को हर चीज की अच्छी सूझबूझ होना जरूरी है। वहीं अगर आप अपना व्यवसाय खोलने का सोच रहे हैं तो आप स्ट्रॉ पाइप बनाने का व्यवसाय खोल सकते हैं। इस व्यापार को खोलने के लिए आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी नहीं है, साथ ही आपको ये व्यापार को खोलने के लिए ज़्यादा धनराशि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉ एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंसान द्वारा किया जा सकता है, इसीलिए आपको अच्छे से पता होगा कि आखिर ये स्ट्रॉ किसे कहते हैं। वहीं अगर इस व्यापार के आंकड़े को देखा जाए तो भारत में इस उत्पाद की काफ़ी मांग है। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे मॉल से लेकर छोटी सी छोटी दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉ का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ को पीने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि वर्ष 1888 में मार्विन स्टोन नामक व्यक्ति ने स्पाइरल एडिंग प्रक्रिया से स्ट्रॉ बनाने की निर्माण विधि को पेटेंट कराया था। स्टोन नामक यह व्यक्ति पहले से सिगरेट के बाहर लगने वाले कागज का निर्माण करता था। उसी को पहली बार कागज से स्ट्रॉ बनाने का विचार आया था। उससे पहले राई घास से निर्मित स्ट्रॉ उपयोग में लिए जाते थे। स्टोन द्वारा पहली बार ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का निर्माण पेंसिल के चारों ओर एक पेपर लपेटकर बाद में उसे चिपकाकर किया गया था। चूंकि पेपर की स्ट्रॉ का उपयोग करने पर वह गीली एवं ढीली हो जा रही थी, इसीलिए उसने अगला प्रयोग पैराफिन लगे मनीला पेपर पर किया, जो कि कामयाब भी रहा। स्ट्रॉ दो तरह के होते हैं, एक कागज से बनने वाला स्ट्रॉ और एक प्लास्टिक से बनने वाला। अगर इन दोनों तरह के स्ट्रॉ की तुलना की जाए तो कागज के स्ट्रॉ का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉ पर्यावरण की नज़र से काफ़ी सही साबित होते हैं। वहीं प्लास्टिक स्ट्रॉ की बात करें तो इन स्ट्रॉ की बाजार में ज़्यादा मांग है। जहां पर कागज से बनाए गए स्ट्रॉ के टूटने और खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वहीं प्लास्टिक से बने स्ट्रॉ में इस तरह का कोई भी खतरा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप लोग स्ट्रॉ बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ बनाना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्ट्रॉ व्यापार को अगर सही तरीके से चलाया जाए तो इस व्यापार के जरिए आप कई सारे पैसे कमा सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि स्ट्रॉ को बनाने के लिए किन वस्तुओं का आपको जरूरत पड़ेगी। स्ट्रॉ बनाने के लिए भी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यापार में दो प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से पहली मशीन स्ट्रॉ बनाने का काम करती है जबकि दूसरी मशीन उसको काटने का काम करती है। स्ट्रॉ बनाने के लिए प्लास्टिक मोती और कलरेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉ बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रॉ बनाने वाली मशीन में प्लास्टिक मोती और कलरेट को एक साथ डालना होगा। इस मशीन द्वारा इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दिया जाएगा और फिर इन दोनों को पिघला दिया जाएगा, जिसके बाद मशीन में लगे डलवा के जरिए आपको इस पिघली हुई सामग्री को स्ट्रॉ का आकार देना होगा। जब पिघली हुई सामग्री को आकार मिल जाए उसके बाद इन्हें दूसरी मशीन की मदद से काटना होगा। ऐसे करते ही आपको स्ट्रॉ बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं जब आप स्ट्रॉ बनाने वाली मशीन खरीदें तो ये पता जरूर कर लें कि मशीन द्वारा कितने समय में कितने स्ट्रॉ बन जाएंगे। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें काफी चीजों के बारे में अच्छे से अनुसंधान कर लेना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव, लोगों की नियुक्ति, मार्केट अनुसंधान, लाइसेंस और परमिट,
मार्केटिंग और प्रमोशन। वहीं अगर बात मार्केटिंग और प्रमोशन की करें तो मार्केटिंग और प्रमोशन के जरिए आप अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा खरीदारों के बीच बेच सकते हैं। इसीलिए आप भी इन दोनों चीजों को खास ध्यान रखें। आप अपने उत्पाद की मार्केटिंग या प्रमोशन कई तरह से कर सकते हैं। स्ट्रॉ की निर्माण विधि पूरी होने के बाद इसे विभिन्न गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों पर मूल्यांकित किया जाता है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद इन्हें प्रति पैकेट में 100 से 500 के आधार पर पैक किया जाता है और बाजार में इन्हें बेचकर उद्यमी द्वारा अपनी कमाई की जा सकती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।